खबर है भदोही से। भदोही 18 जनवरी 2023 ग्राम प्रधानों के उन्मुखीकरण कार्यशाला संवाद कार्यक्रम का जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक भदोही जाहिद बेग, जिलाधिकारी गौरंग राठी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिथियों ने विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए विकास परक योजना स्टालों का अवलोकन करते हुए जानकारी ली। कार्यशाला में ग्राम प्रधानों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने, पंचायती राज विभाग द्वारा 18, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 12, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12, कृषि विभाग द्वारा 2 प्रधानों को प्रशंसा पत्र देते हुए सम्मानित किया गया। कार्यशाला में विभागों द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व डॉक्यूमेंट्री मूवी द्वारा अनेक योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु ग्राम प्रधानों को मार्गदर्शित व प्रेरित भी किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने ग्राम प्रधानों के कार्यशाला की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिलाधिकारी की यह पहल बहुत ही सराहनीय है। कार्यशाला के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा अनेक योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्राम प्रधानों को सशक्त बनाने की दिशा में यह उन्मुखीकरण कार्यक्रम सफल रहा। विधायक भदोही जाहिद बेग ने कहा कि कार्यशाला के माध्यम से ग्राम प्रधानों को अनेक अधिकारी व दायित्वों से परिचित कराते हुए ग्राम प्रशासन में उनकी भूमिका व महत्वता पर बल दिया गया। गांव को सशक्त बनाने की दिशा में अनुकरणीय पहल है। भदोही से विशेष रिपोर्टर आजाद खान बाबू की रिपोर्ट। दूर दूर से सभी ग्राम प्रधान भाइयों, हमारे सभी अधिकारीगण, सबसे बड़ी समस्या गांव में जमीन की शिकायतों को लेकर रहती है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक नया सोच के अंतर्गत एक नई पहल की गई है। जनपद में जन संवाद दिवस, आप थाना दिवस जाते हैं, तहसील दिवस में जाते हैं, जमीनों के तमाम झगड़े हैं, उसको जन संवाद दिवस में अकेले उच्च अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनेगा और आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए इस विषय में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। आज जनपद के शीर्ष जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत अध्यक्ष और माननीय विधायकगणों के प्रेजेंस में आज एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम रखा गया था। इसमें विकास की गाथा, विकास का पथ क्या हो और किस प्रकार से उस पर हम चल सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने प्रशस्त किया है, इसके लिए सभी ग्राम प्रधानों को आज यहाँ पर इन्वाइट किया गया था। उनके उद्बोधन को, उनके विचारों को सुना गया। विभिन्न विभागों ने अपनी योजनाओं के बारे में बताया। कई योजनाएं ऐसी जिनके बारे में अमूमन जानकारी नहीं हो पाती, कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है, कैसे उनको अचीव किया जा सकता है और विकास के चौमुखी विकास हो, 360 डिग्री ग्रोथ हो, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इसके लिए आज पूरा संवाद और एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पे एक नया प्रोग्राम रहा जनपद के लिए, माना की स्थिति जनपद की आप जी बिल्कुल। आज कई ग्राम प्रधान जिन्होंने अच्छा कार्य किया है और आइसोलेशन में अच्छा कार्य करते हैं, उनके उदाहरण भी सभी के सामने रखे गए और जब इस प्रकार के उदाहरण आते हैं और मोटिवेशन के लिए अवार्ड्स सभी ग्राम प्रधानों या किसी को भी दिया जाता है तो जरूर ही लोग मोटिवेट होकर जुड़ते हैं और सभी लोग इसमें आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इस जो विकास की एक हम नई परिपाटी जनपद के लिए सभी लोग सामूहिक रूप से मिलकर, जनप्रतिनिधि, नागरिक और कर्मचारी अधिकारीगण मिलकर लिखना चाह रहे हैं, उसको सभी लोग प्रतिभाग करेंगे, बहुत बेहतर रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा।